हेलो, क्या तुम लोगों को लगा मैं चटक गया? अरे इतनी जल्दी चटकने वाला नहीं हूँ, अभी तो 1000 सब्सक्राइबर तक और जीऊंगा मैं। 1000 नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल चुप नहीं। म्यूजिक। ओके ओके, बहुत मजाक हो गया। तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी? तो आज हम लोग दोबारा खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा माइनक्राफ्ट ही खेलता हूँ, और सही में ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? तो आज हम लोग देखने वाले कुछ माइनक्राफ्ट के टिक टॉक। भाई देखो, आपके 26 मिनट सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जरा मुझे भी 100 सब्सक्राइबर तक पहुँचने दो, क्योंकि यार मैं 100 सब्सक्राइबर बहुत नजदीक हूँ। क्या पता इस वीडियो के बाद हमारे 100 सब्सक्राइबर हो जाए। हो जाएगा ना? देखो मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, अगर नहीं हुए तो क्या ही कर लूँगा यार, मैं वही सुसाइड कर लूँ जो आपके सामने पहले करी थी। तो आज हम लोग देखने वाले कुछ माइनक्राफ्ट टिकटॉक के हैक, और मुझे पता है मुझे ये वीडियो बहुत पहले बना देनी चाहिए थी, और मैं बना रहा हूँ जब जब बड़े बड़े यूट्यूबर ने बहुत सारी टिकटॉक के हैक की वीडियो बनाई, तो मेरी वीडियो कौन देखेगा? लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा, भाई मैं एक वीडियो ऑफ टिकटॉक हैक। तो मैंने सोचा अगर कोई मेरी वीडियो नहीं देख रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एक सब्सक्राइबर तो देखेगा, तो इसलिए आज मैंने एक और टिकटॉक के हैक की वीडियो बना दी। एक और नहीं, ये तो पहली टिकटॉक के हैक की वीडियो है, और तुम लोगों को सही में देखनी पड़ेगी वीडियो, और अगर नहीं देखी ना। तो गाइस बढ़ते हैं बढ़ते हैं अपने पहले टिकटॉक हैक की तरफ, जो कि है एक आर्मर वियर मशीन। अब गाइस आप लोग सोचते होंगे, जब भी हमें आर्मर पहनना होता है तो हमें अपनी इन्वेंट्री खोलनी पड़ती है, फिर हमें आर्मरों के पास जाना पड़ता है, देन हमें इन सबको खोलना पड़ता है, फिर हमें अपने आर्मर पहनने पड़ते हैं। लेकिन ये वाला जो टिकटॉक हैक है, इसमें हमें सिर्फ एक ही बटन दबाना होगा और हमारा जितना भी आर्मर होता है वो हम एक ही बार में पहन लेंगे। आप लोगों का इस यकीन नहीं हो रहा ना, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और उन लोगों को यकीन हो गया होगा जिन लोगों ने पहले से वाली वीडियो देख रखी है, तो उन लोगों से भी कह रहा हूँ ये वीडियो पूरी देखो, इसमें मज़ा है। नहीं मज़ा तो नहीं मेरे ख्याल से, हाँ इस वीडियो में बकवास है, बकवास बहुत मिलेगी इस वीडियो में, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना। तो अब इसको बनाने के लिए हमें एक परफेक्ट जगह ढूंढनी है, मेरे ख्याल से ये जगह सही है, यहाँ पर मुझे खड़ा होना है। एंड गाइस अभी इसको कैसे बनाने में आप लोगों को बताता हूँ। अभी हमें क्या करना है, हमें नीचे डिग करना है, डिग करने के बाद हमें यहाँ पे डिस्पेंसर लगाना है कुछ ऐसे, जिसका छेद कुछ ऊपर को आए ऐसे, एंड उसके बाद हमें यहाँ पे क्राउच होना है और दो डिस्पेंसर ऐसे लगाने हैं, और जंप मार के हमें एक और डिस्पेंसरी ऊपर लगा देना है। ऐसे लगाने के बाद फिर से हमें यहाँ पे क्राउच होना है, फिर उसके बाद ऊपर ऐसे लगाना है, और उसका भी छेद ऐसे नीचे को आए और इसका छेद यूँ ऊपर को आए, तो ऐसा करना है। और उसके बाद हमें ये वाला डिस्पेंसर जो है तोड़ देना है। एंड गाइस उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे जितने भी आर्मर है हमें इसके अंदर रखने पड़ेंगे, लेकिन जूते को हमें इसके अंदर रखना होगा, पैंट को इसके अंदर रखना होगा, टी शर्ट को इसके अंदर रखना होगा, और हेलमेट को ऊपर रखना होगा। देन उसके बाद हमें इसके ऊपर बटन लगाना है, और बटन लगाने के बाद यहाँ पे गाइस हमें लगाना होगा रेडस्टोन। ओके, तो हमारी आर्मर वियर मशीन तैयार है, एंड एक मिनट में आपको दिखाने के लिए थर्ड पर्सन मोड में आता हूँ। सो गाइस मैं आ चुका हूँ थर्ड पर्सन मोड में, एंड गाइस अभी आप देखो मैं कैसे पहनता हूँ। अभी गाइस आप देखो मैं अभी नंगा हूँ, नहीं नंगा नहीं हूँ मैं, मतलब मैं बिना कपड़ों के भी नहीं हूँ, मतलब बिना आर्मर के हूँ। अभी मैं बस एक बटन दबाऊंगा और अपना डायमंड का आर्मर फुल ही पहन लूँगा। अभी गाइस आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा तो मैं अभी दिखाता हूँ, 1 2 3 स्टार्ट। ओ भाई मैंने गाइस डायमंड का आर्मर पहन लिया। देखा गाइस आप लोगों ने ये ट्रिक, एक मतलब ये जो टिकटॉक का हैक है, एक काम करता है रियली में, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये टिकटॉक का हैक, इसको मैं देना चाहूँगा 10 out of 10, मतलब 10 out of 10, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये टिकटॉक का हैक। तो ये वाला टिकटॉक का हैक तो हमारा बहुत बढ़िया था। अब गाइस हमारा जो दूसरा टिकटॉक का हैक है, एक मिनट सामने विलेज है। ओ भाई बढ़िया है, अब हमें बकरे मिल गए। अब हमें टिकटॉक के हैक को अगर टेस्ट करना होगा इन विलेजरों के ऊपर, तो मैं टेस्ट कर सकता हूँ। तो गाइस हमें बकरे तो मिल चुके हैं अपने टिकटॉक हैक यूज़ करने के लिए, तो सबसे पहले इन विलेजरों के ऊपर ही टेस्ट करने वाले हैं हम ये टिकटॉक हैक। उसके लिए गाइस मुझे चाहिए होगा, तो उसके लिए मुझे चाहिए एक एनविल, एक नेम टैग। सो गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं कौन सा टिकटॉक का हैक यूज़ करने वाला हूँ, तो उनसे भी कह रहा हूँ मैं वीडियो पूरी देखो यार। सो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ अभी हमें क्या करना है। गाइस अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एनविल रखना है, देन एनविल के अंदर हमें नेम टैग रखना है, एंड नेम टैग के अंदर हमें एक नेम रखना है। ओ भाई ये तो राइम बन गई, बढ़िया है, तालियां हो जाए, ताली नहीं लाइक हो जाए। नहीं अब गाइस हमें इसके अंदर रखना है, मतलब रखना नहीं है, लिखना है ग्रूम। अब हमने ग्रूम लिख दिया, और इस ग्रूम को लेके मुझे एक विलेजर के ऊपर नेम डालना है। अब देखना गाइस ये विलेजर जो होगा इसकी दुनिया उल्टी पुल्टी होने वाली है, और एक मिनट तू अंदर मत जा। ओ भाई मज़ा आ गया, इसकी दुनिया गाइस हमने उल्टी पुल्टी कर दी। अब ये बेचारा परेशान हो गया कि मैं कहाँ जाऊँ, अच्छे खासा मैं अपने घर के अंदर जा रहा था। हमारी जिंदगी का एक मकसद है बदला। ओके तो एक विलेजर नहीं, दूसरे विलेजर के साथ भी ऐसा करके, एक मिनट इस बिल्ली के साथ कर सकते हैं, वो बिल्ली के बच्चे, ओ मैंने बिल्ली के बच्चे को भी छोटा कर दिया, बढ़िया। ओके
एक मिनट, इसको भी मैंने गाइस छोटा कर दिया। ये टिकटॉक का हैक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया गाइस। आप लोग बताना इस टिकटॉक के हैक को आप कितने आउट ऑफ कितने देते हो। मैं तो देता हूँ 10 out of 9, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता यार। चलो 10 out of 10 मेरे तरफ से सेकेंड वाले को। अभी गाइस हम इसके ऊपर एक और नाम रख सकते हैं जिसका नाम है जेब, और उसके बाद हमें डालना है ये टेढ़ा डंडा, और इसके डालने के बाद हमें ये नेम टैग लेना है। एंड अभी इसी नेम टैग को मुझे शीप के ऊपर डालना पड़ेगा, तो शीप मेरे ख्याल से यहाँ पे है नहीं, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा मेरे ख्याल से। A few moments later. गैस इतनी देर से मैं शीप को ढूंढ रहा हूँ और मिल नहीं रही है, मतलब इतने बड़े मैदान में एक शीप भी नहीं मिल रही। ओ भाई मिल जाए शीप। अरे यार ये शीप नहीं मिलने वाली, मुझे लगता है स्पॉन कराना पड़ेगा। क्या मैं इनके ऊपर कर सकता हूँ? नहीं यार वो शीप के ऊपर ही होगा यार, क्योंकि रंग बदलता है ना। अरे मैंने पहले ही बता दिया। तो गाइस मैं ढूंढते परेशान हो गया। अब मैंने शीप एक स्पॉन कर दिया। अब गाइस देखना इसका जो रंग है चेंज होता रहेगा। ओ एक मिनट बहन यहाँ पर बहन नहीं मतलब शीप यहाँ पर खड़े रहे। ओके तो मैंने इसका नेम डाला, और गाइस इसका जो रंग है वो धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे नहीं अलग अलग रंग बदले जा रहे। भाई ये नेम टैग मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा, इसके रंग बदले जा रहे। मतलब अगर हम शीप को मारेंगे तो हमें कौन सा वूल मिलेगा मुझे पता तो नहीं है, एक बार मैं मार के देखूँ। तो शीप मरने के लिए तैयार हो जा। भैया मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं? Run. ओ भाग मत ये मर। ओके तो मुझे कौन सा वूल मिला? ब्लैक वूल। अच्छा वही वूल मिलेगा जो इसका पहला था, तो ठीक है। तो ये टिकटॉक का हैक तो बहुत बढ़िया था। देन गाइस अब चलते हैं हम तीसरे वाले टिकटॉक हैक की तरफ, जो कि है एक, मैं अभी ऐसे नहीं बताऊंगा गाइस। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा ऊपर, बहुत ही ज़्यादा ऊपर। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मर जाऊँ मैं, मतलब कि मुझे जाना हो किसी माउंटेन के ऊपर। तो माउंटेन तो यहाँ पे है, तो वहीं पे चलते हैं हम। नहीं ऐसा माउंटेन नहीं चाहिए, मुझे लगता है मुझे खुद बनाना पड़ेगा। ओके तो मुझे यहाँ से ऐसे ब्लॉक ऊपर आना पड़ेगा। ओके अब मुझे उसके लिए चाहिए होगा गाइस फिशिंग रोड। ओके तो फिशिंग रोड ले ली मैंने। देन मुझे उसके बाद चाहिए एक बोट। अभी गाइस मैं सर्वाइवल मोड में आऊँगा इसके लिए। अभी गाइस देखो मैं सर्वाइवल मोड में आ गया। अभी गाइस देखो होता क्या है, जब भी हम फॉल डैमेज लेते हैं तो हमें डैमेज होता है, लेकिन ये वाला जो टिकटॉक का है इस पर अगर हम फॉल डैमेज भी ले गए तो हमें डैमेज नहीं होगा। अभी गाइस आपको बताता हूँ कैसे होता है। हमें करना क्या है, हमें नीचे डालनी है एक बोट ऐसे, एंड वो बोट डालने के बाद हमें लेनी है अपनी फिशिंग रोड, उसको हमें मारना है बोट के ऊपर। एक मिनट पहले मैं सर्वाइवल मोड में तो आ जाऊँ। ओके तो मैं आगे सर्वाइवल मोड में। देन गाइस हमें क्या करना है, हमें उस बोट को ऊपर खींचना है कुछ इस तरह। अरे हो क्यों नहीं रहा? A few moments later. So guys, मुझसे कांड हो गया है, मुझसे ये टिकटॉक का हैक होने पा रहा है, इसलिए यार मैं सोच रहा हूँ इस टिकटॉक के हैक को मैं स्किप कर रहा हूँ। अगली बार आप लोग मुझे बताना कि कैसे करेंगे। वैसे मैं चेक करूँगा कि मैंने क्या गलती कर दी, तो इसलिए मैं इस टिकटॉक के हैक को देता हूँ 10 out of 0, क्योंकि मुझे ये टिकटॉक का हैक बिल्कुल नहीं आता। ओके इस बढ़ते हमने चौथे टिकटॉक हैक की तरफ, और एक मेरी रात क्यों हो गई यार, मुझे रात बहुत बुरी लगती है। अब घर पर जाके सोना पड़ेगा। ओके ओके सोने के लिए यहाँ पे अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ पे कोई है तो नहीं। ओके एक मिनट यहाँ पे बेड ही नहीं है। ओके ओके मुझे बेड ढूंढना है, बेड कहाँ पे यार। ओके मैं भूल गया मैं क्रिएटिव मोड में हूँ, लेकिन तब भी एक मिनट यार भाई साहब मुझे सोने दो, आज रात के लिए सोने दो यार प्लीज़ गाँव वालों प्लीज़। अच्छा इसके पास खुद ही बेड नहीं है, जब इसके पास खुद ही बेड नहीं है तो मुझे क्या सुलवाएगा? मुझे बेचारा उसको जगाया जा रहा है कि उठ जा मुझे भी सोना है, और ये बोले जब उल्टे सो रहे हैं। एक मिनट उठ और मुझे सोने दे। गुड मॉर्निंग अरे बाहर निकलने दो यार। तो गाइस बढ़ते अपने चौथे यहाँ। तो गाइस बढ़ते अपने चौथे टिकटॉक हैक की तरफ, जिसके लिए गाइस मुझे पिस्टन लगेंगे बहुत सारे। एंड गाइस उसके लिए हमें यार बकरे लगने वाले हैं, तो ये बकरे तो हमारे सामने है, तो उसके लिए मुझे TNTs भी लगने वाले, क्योंकि हम बनाने वाले हैं तोप, एक ऐसी तोप जिसमें मैं एक बटन दबाऊंगा और TNT इनके घर को जाके फोड़ देगा। तो मुझे फोड़ना है एक इंसान का घर, वो कौन है? एक मिनट आयरन गोलम को कौन मार रहा है? ओ भाई यहाँ पे ये कौन है? अच्छा स्केलेटन है। ओके तो गाइस मैं सोच रहा हूँ मैं इस घर को फोड़ूंगा और मैं बनाने वाला हूँ स्टॉप को यहाँ पे, तो उसके लिए पहले सबसे पहले सामान निकाल लेता हूँ। सो गाइस मैंने सारे सामान निकाल लिए उसको बनाने के लिए, तो अभी मुझे क्या करना है एक स्लाइम ब्लॉक को, एक मिनट सामने है ना घर। ओके स्लाइम ब्लॉक को मुझे यहाँ पे रखना है, और उसके बाद एक मिनट मैंने सारे नहीं निकाले सामान। ओके तो मैंने रिपीटर निकाल लिया। अभी गाइस मुझे क्या करना है, रिपीटर को मुझे लगाना है कुछ ऐसे, हाँ, और इसका टैग 2 में रखना है मुझे। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे एक स्टोन लगाना है, और स्टोन के बगल में भी मुझे रिपीटर लगाना है कुछ ऐसे, ऐसे ही लगाना है ना, क्या मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ? चलो कोई बात नहीं, इसका भी टैग गाइस हमें 2 में रखना है, और उसके बाद गाइस हमें यहाँ पे स्लाइम ब्लॉक लगाने क्या, एक मिनट मैं भूल लूँ क्या, अरे नहीं यार यहाँ पे स्टोन नहीं लगाना था, हाँ यहाँ पे डिस्पेंसर लगाना है गाइस हमें इस कुछ ऐसे, जिसका छेद ऊपर को आए। और मैंने गलती कर दी थी यार, हमेशा ये होता है यार, मैं हमेशा हर चीज़ भूल जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है? चलो कोई बात नहीं, अभी गाइस हमें क्या करना है, हमें स्टोन यहाँ पे लगाना है। ओके तो कुछ ऐसा बनाना है, उसको बनाने के बाद गाइस हमें लगाना है यहाँ पे पिस्टन जिसका फेस आना चाहिए यूँ, और गाइस इस पिस्टन के ऊपर हमें लगाना होगा एक स्लाइम ब्लॉक,
और स्लाइम ब्लॉक लगाने के बाद हमें इस डिस्पेंसर के अंदर रखने होंगे TNTs। और अभी इस TNT को एक्टिवेट करने के लिए मुझे बटन निकालना भूल गया यार। ओके तो मैंने बटन निकाल लिया। अब गाइस मुझे बटन यहाँ पर लगाना है क्राउच होके। तो गाइस अपनी तोप मतलब क्या कहते हैं, तो गाइस अपनी तोप तैयार है। TNT फेकू तोप, क्या बढ़िया नाम रखा है ना मैंने। ओके तो गाइस अभी क्या करना है, हमें इस बटन को दबाना है। एंड गाइस देखो, ओ एक मिनट यार मैंने एक गलती कहाँ करी थी। सो गाइस अब मैंने बनाया एकदम सही। गाइस मैंने उसमें करा क्या था, मैंने इसका एक रिपीटर मैंने यूं लगा दिया था एंड वो रिपीटर फिर मैंने यूं लगा दिया था। मुझे क्या करना था, मुझे दोनों रिपीटर को ऐसे ही लगाना था। मैं एक मिनट लगा के दिखाऊँ, ऐसे यूं फेस करके लगाना था, फिर इस वाले रिपीटर को भी मुझे ऐसे फेस करके लगाना था। ओके अब इन दोनों का टैग 2 में रख देता हूँ मैं। ओके तो गाइस अपनी मशीन जो है तैयार है। अब गाइस हमें क्या करना है, हमें बटन दबाना है। और गाइस देखो हमारी TNT फेकू मशीन कितनी बढ़िया है। और ये तोड़ दिया ना सही में। ओके तो गाइस इसको बार बार एक्टिवेट करने के लिए हमें यार इस स्लाइम ब्लॉक को तोड़ के फिर से पीछे लगाना पड़ता है, लेकिन अगर हम लगाएंगे नहीं ना तो वही सीन हो जाएगा जो थोड़ी देर पहले मेरे साथ हुआ था वहाँ पे। तो गाइस मेरे ख्याल से आपको यार टिकटॉक के हैक बहुत पसंद आए होंगे। तो अगर पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और रिपीट यार तेरी ज़िंदगी में इतना दुख क्यों है। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मुझे पता है मैंने बहुत कम टिकटॉक के हैक देखे, मैंने सीरियसली शायद 3 या 2 टिकटॉक के हैक देखे होंगे। लेकिन गाइस आप लोग बताना मैं ज़्यादा से ज़्यादा टिकटॉक के हैक लेके आऊँ क्या नहीं। अगर इस वीडियो में 5 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं, 5 लाइक, तो इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा हर रोज़। हर रोज़ का मतलब हर 2-3 दिन में एक बार टिकटॉक की वीडियो अपलोड करूंगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ गाइस आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta...